तो आपका कैसा एक्सपीरियंस आज, जैसे सर यहाँ पे आपने कनाडा में भी कराया था कैरो, तो यहाँ पे बेटर रहा है कैसा है वो रियली बताएं। गुड एक्सपीरियंस सर के पास नॉलेज इज रियली गुड आई एम थैंक रियली इम्प्रेस्ड विद इट थैंक यू एंड डजंट मैटर कि कनाडा या इंडिया बट नाउ सर हैं तो आई गेस इंडिया जरूर प्रगति में है। हेलो एवरीवन, आई एम केयर फैक्टर डॉक्टर बजरंग इज माय पेशेंट। और क्या नाम है सर आप? मन श्रीवास्तव मेरा नाम है जी क्या करते हैं आप? सर। बाय प्रोफेशन मैं पायलट था, ओके अब क्या मैं इंडिया में आ गया हूँ जी राइट। तो उसके बाद से मुझे सीवियर बैक पेन है, रिस्ट इश्यूज़ हैं ओके ओके कब से प्रॉब्लम चल रहा है सर आपको ये? सर। मेरे को करीब हो गए 5 से 6 साल 5 से 6 साल हो गए आराम मेरा। से। तो क्या क्या ट्रीटमेंट लिया इस बीच में आपने बताया? ऑर्थोपेडिक को दिखाया तो उन्होंने बोला बोन बड़ी हुई है आपकी, तो पहले उन्होंने बोला वेट रिड्यूस करो, बट वेट रिड्यूस करा भी था मैंने 10 kgs, तो उससे मुझे इतना रिलीफ नहीं मिला। एंड उसके बाद मैंने रिस्ट के लिए उन्होंने मेरे रिस्ट बैंड भी दिए वो पहनी, ब्रांड दिए होंगे एंड आपको वाइटामिन डी बोला, कैल्शियम बोला विटामिन डी। खाएं वगैरह खाएं, तो कोई रिलीफ नहीं था उसके बाद भी। ओके स्टिल अभी भी मैं मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह लेता रहता हूँ, डाइट वगैरह ठीक है मतलब जो मेरी, आपका पेन है प्रॉपरली ठीक नहीं हो नहीं हो पाया। पाया अभी तक, बहुत पेन है बल्कि एग्रेवेट हो गया। ओके ज्यादा हाँ चलिए अब देखते हैं। अच्छा हिप से लेकर लेग में भी पेन आता है, ओनली बैक में ही पेन है मेरे आपको? बैक, मेरे लोअर बैक में सबसे ज़्यादा पेन है ठीक अभी मैं है बैठा हूँ, तो अभी भी मुझे पेन है। ओके ओके एंड यूज रिस्ट करें में पेन है मेरे रिस्ट बहुत में ज़्यादा, भी। ओके दोनों ओके रिस्टों में पेन है। ओके रिसेंटली मैंने वो तो खैर विजडम टूथ निकलवाया था, तो ये पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, ओके हाँ एंड आई गेस नर्व अंदर से डैमेज कट है। कट का आवाज भी आता है क्या जॉइंट से? टीएन जॉइंट से नहीं मैं कट कट की आवाज़ नहीं आती, बट ये है कि मुझे लगता है कि जो टूथ उखड़वाया तो उससे विजडम टूथ शायद से नर्व जो होती है उसकी डैमेज हो गई, तो डॉक्टर्स को दिखाया था, डॉक्टर्स ने बोला करीब 1 साल भर लगेगा, तो करीब 6 से 8 महीने हो गए मुझे, तभी जी। भी मेरा ये जो पार्ट है अगर यहाँ पे कोई टच करता तो मेरे दांत तो में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा, सेंसेशन नहीं है? सेंसेशन है एक्स्ट्रा सेंसेशन, बहुत सेंसिटिव हो गया, मतलब ओ सेंसिटिविटी इतनी बढ़ गई है कि अगर यहाँ कोई छू दे तो मेरे दांत में फील होता है। इट इज़ अभी टच करने फील जा हाँ रहा है मेरे यहाँ पे यहाँ कुछ, पे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ क्योंकि यहाँ का टूथ उखड़ा था, यहाँ का टूथ उखड़ा था, ये सब वगैरह। एंड देन उसके बाद मेरे को हेडेक्स रहता है काफ़ी, तो ओके वो भी चेक करेंगे ऑक्सीजन। माइग्रेन मेरे को डॉक्टर ने बताया तो माइग्रेन की मुझे मेडिसिन दी, क्योंकि मेरे लिटरली जब मुझे जब हेडेक होता है तो इतना सीवियर होता है कि मेरे यहाँ पे क्लॉट आ वो जाता उसमें है। ऐसे भी आता है हैवीनेस हेडेक हो जाता है हाँ पेशेंट और का। यहाँ पे मेरे ब्लड का क्लॉट आ जाता है इस जगह पे, ओके ओके एंड मुझे फिर पिच डार्क करना पड़ता है, बाम लगाना होता है, और जब मैं नींद लेता वर्टिगो हूँ, वगैरह होता है आपको? वर्टिगो नहीं होता मुझे लेकिन मुझे एक्सेसिव हेडेक होता है, जिसका मुझे मैंने गंगाराम में दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको माइग्रेन है, आपको मेडिसिन लेनी होगी, जैसे ही ट्रिगर होगा तो ट्रिगर होने पे ही आपको तुरंत लेना पड़ेगा, एंड आप वेट मत करिए कि आपको हेडेक होगा। फिर उन्होंने मुझे स्ट्रेस वगैरह की दी, टैबलेट्स वगैरह, जो कि मैं नहीं लेता क्योंकि मैं स्ट्रेस में बिलीव नहीं करता, मैं मेडिटेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि चलिए उससे चलिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। चलिए अभी देखते हैं इनको सर को क्या फीडबैक मिल रहा है। ठीक है सर राइट सर। ट्रांसवर्स प्रोसेस स्पाइन प्रोसेस नेक का इशू हो रहा है इधर से। ठीक है ये पेन आ रहा है देखो ये निकला हुआ है ना, तुम फील करना अपने आप ही बताएंगे मेरे को। देखो ये चीजें निकली हुई है ना, इधर कहाँ है? नहीं है नहीं है ना? ओ वन टू थ्री क्लोज क्लोज सांस लेंगे प्रतिदिन। बताना जो निकला हुआ था कहाँ है? नहीं है नहीं है ना? देख लो कहीं नहीं है। लेट छोड़ें बस, अब नहीं देखो बिल्कुल भी। घुमा नहीं के देखो गर्दन में पेन है क्या? ना, नहीं है ना? ना, 6 साल की बीमारी खत्म। नेक सही है ना? देखो बिल्कुल नहीं है। अब देखो तुरंत एकदम एक्यूरेट फील हो रहा है ना? देखो शुरू तो देखना मैडम बराबर नहीं है। जब तक ये नहीं कहेंगे तो कब तक मार छोड़ेंगे? ना दोनों साइड से बोन देखो बराबर है ना, इक्वल फील हो रहा है? वो तो वही बता देंगे ना हाथ लगते ही। छोड़ दो बस, जैसे पालपेट कर रहे हैं अभी इनका, तो थोड़ा सा जो इनको जो प्रॉब्लम होता है लंबर स्पाइन का वो ये होता है सर। ओ, ओ, ओ। यहाँ पे भी आता है ना?
ये है ज्यादा इश्यू, तो शुरुआत ये थी, यहाँ से शुरुआत यहीं पे थी ना। ओके, लू छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, छोड़ो गर्दन नीचे, यहाँ से लॉक करो, यहाँ से लॉक करना है, पकड़ के रखिए, पैर सीधा नीचे का, गर्दन नीचे रखिए, पूरी एकदम बॉडी को लू छोड़ेंगे, रिलैक्स। देन बैरियर लंबर स्पाइन एडजस्टमेंट, एक सांस लेंगे, ब्रीथ इन टू द आउट, रिलैक्स आउट ऑफ साइड, थोड़ा सा गया, यहां से पकड़ना है, लो कर दीजिए, पैर सीधा, इसको बैंड करिए, बिल्कुल एकदम बॉडी रिलैक्स, एक सांस लेंगे, इस तरह में आता है, सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, रिलैक्स, रोटेट, एक बार वो लू छोड़ो, बिल्कुल ढीला, सांस बाहर, सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, छोड़ेंगे बाहर, ऐसे लगाओ, छोड़ेंगे बाहर, टैनी सर को एडजस्टमेंट, साइड से खड़े जाएंगे, साइड से बैठेगा, एक करवट लेंगे, रिलैक्स, रिलैक्स, शोल्डर एडजस्टमेंट, बस खड़े जाएं, रिलैक्स, सांस लेंगे, छोड़ें बाकी चीजें, रिलैक्स, सांस लेंगे, छोड़ें बाहर पीछे की जाए, रिलैक्स, बस निकल गया, जो हैवीनेस थी वो बहुत ज्यादा लाइट फील कर रहा हूं। अब देखिए ऑक्सीपिटल बॉम्ब देखिए, चेक कीजिए, अपने बराबर है ना आपके, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सर, फील करो आप पीछे करके, इक्वल है ना, बिल्कुल आप भी देख सकते हैं मैडम। तो ये क्या था, ऑक्सीपिटल बोन अपसेट था जिसके कारण का हैवीनेस हेडेक जा रहा था, ठीक है सर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस आज सर, यहाँ पे आपने कनाडा में भी कराया था कैरो, तो यहाँ पे बेटर रहा है, कैसा है वो? रियली गुड एक्सपीरियंस सर, के पास नॉलेज इज रियली गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट, एंड डजंट मैटर कि कनाडा या इंडिया, बट नाउ सर हैं तो आई गेस इंडिया जरूर प्रगति में, दैट इज फॉर श्योर। ओके, और जिनको ऐसा प्रॉब्लम रहता है क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं उनको जरूर बोलूंगा कि एक बार आके जरूर विजिट करें, घर पे रह के सोचने से और अपने आप ट्रीटमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, विदाउट मेडिसिन ये ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैरोप्रैक्टिक के बारे में? हर चीज मेडिसिन नहीं होती, देयर इज अ पॉइंट, एंड देन कुछ कैरोप्रैक्टिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि आने से ही मिलेगी, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे आएंगे डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपका ट्रीटमेंट राइट वे में जाएगा। थैंक यू सर, आपका वीडियो अपलोड कर सकते हैं परमिशन के।